ये है सवितर्क न्यूज सच की आवाज। बिलासपुर से नीलेश मसीह की खास खबर, केंद्र सरकार के खिलाफ हुआ धरना प्रदर्शन, अच्छी बरसात और सामान्य मानसून से खिले किसानों के चेहरे पर खाद की कमी ने उदासीन किसानों को फील कर दी। छत्तीसगढ़ सरकार का कहना है कि राज्य के कोटे का रासायनिक खाद प्रदान नहीं किया जा रहा है। आज राज्य व्यापी धरना प्रदर्शन नेहरू चौक बिलासपुर पर किया गया। सही समय पर रासायनिक खाद नहीं मिलने से किसानों के धान का उत्पादन पर विपरीत असर पड़ेगा, एक किसानों ने कहा। ये है सवितर्क न्यूज सच की आवाज, बिलासपुर से नीलेश मसीह की खास खबर। और उसकी आपूर्ति प्रॉपर हो रही है, किसान ज़्यादा प्रभावित ना हो, हमारे मुख्यमंत्री जी प्रयास कर रहे हैं। रासायनिक खादों के सबसे बड़े उत्पादक जो है वो गुजरात में बैठे, जिस वैक्सीन के लिए व्यवस्था की थी सरकार ने, या वैसे नकद खरीदने की कोई व्यवस्था करी तो निजी निर्माता ने। अभी रासायनिक खाद का एक लिक्विड फॉर्म भी आ गया है और कोशिश कर रहे हैं कि वो लिक्विड फॉर्म ज़्यादा से ज़्यादा जो 45 किलो का एक बोरी होता है जगह आधा लीटर का जो लिक्विड है वो पूरा वो काम करता है, तो अभी तत्काल में किसानों के पास वो पहुंच सके ये हमारी सरकार प्रयास है।